नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रठौर से ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारी जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, जो क्लास 12th की इंग्लिश फ्लेमिंगो की एक पोएम है, उसका पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। ऑलरेडी इसके हम 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और ये जो है हमारा 6th पार्ट है। इसमें हम इसका जो लास्ट जो स्टेंजा है, 5th स्टेंजा जो है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टेंजा 5 हमको क्या कहता है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वी व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल। तो ये एक तरह से पोएम का कॉन्क्लूसिव, यानी कि कॉन्क्लूजन है, यानी कि उपसंहार मान लीजिए इसको, कॉन्क्लूजन है ये इसका, यानी कि यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो खत्म होती है। और बहुत ही अच्छा स्टेंजा है यहाँ पे, जो राइटर हमको ये कह रहा है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच एस, कि जो अर्थ जो है वो हमको टीच कर सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि जब हमको हर चीज डेड लगती है लेकिन बाद में वो अपने आप को साबित कर देती है कि हम जिंदा हैं। और फिर लास्ट में हमको राइटर कहता है, कंक्लूडिंग लाइन ये कहती है कि भैया अब ऐसा है, मैं 12 तक गिनूंगा, आपको क्या करना है, शांत हो जाना है, यू कीप क्वाइट, आपको चुप हो जाना है, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो इसी के साथ वो जो पोएम हमारी समाप्त हो जाती है। अब हम इसको देखिए, थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पोएट ने कहा कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद जो अर्थ है वो हमको ये सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब हर चीज ऐसे लगता है कि वो मरी हुई है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में पता चलता है तो जिंदा है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये जो पिक्चर है ये है एप्पल ट्री इन विंटर, यानी कि विंटर के मौसम में आपको ये जो सूखा हुआ जो पेड़ नजर आ रहा है ना, ये आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई सूखा हुआ पेड़ है, ये वास्तव में सूखा पेड़ नहीं है, ये एप्पल ट्री इन विंटर है, यानी कि विंटर के महीने में ये सेब का पेड़ है। और अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ है, इसमें क्या सेब लगते होंगे, लेकिन अब ये देखिए, ये वही एप्पल ट्री है। अब ये समझ, यानी कि हमारा राइटर ये कह सकता है, कह रहा है, कहना चाह रहा है। और अब आपको मैं बताता हूं, अब आपके सामने ये देखिए, ये आपके सामने मैं कुछ चीकू के बीज लेके आया हूं, ठीक है। अब आप, मैं आपसे पूछूं कि ये डेड है या अलाइव, आप कहेंगे सर ये तो डेड है, क्यों, इनमें जान थोड़ी है। आज जैसे गेहूं है या राइस है, हमारी पल्सेस है, दालें जो हैं, चना है, ग्राम है, ये सब डेड ही तो है। लेकिन अगर आप इनको बो दो तो यही जो चीकू का पेड़ है वो ये हो जाता है। तो यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहा है, हमारा राइटर कहना चाह रहा है कि आप प्रकृति से जीजिए, कि प्रकृति में जो चीज डेड नजर आती है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि पृथ्वी हमको सिखा सकती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब कोई चीज डेड हमको लगती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो जिंदा साबित होती है। कैसे, देखिए, इन द अबोव कोटेड लाइन द पोएट आस्क्ड अस टू टेक लेसन ऑफ डोरमेंसी फ्रॉम मदर नेचर, कि हमको ये डोरमेंसी जो है वो हमको किससे सीखनी चाहिए, मदर नेचर से सीखनी चाहिए। ड्यूरिंग विंटर लाइफ सीम्स टू बी स्टैगनेट एज आइस कवर्स एवरीथिंग, कि सर्दियों में क्या होता है बर्फीले क्षेत्रों में कि आइस हर चीज को कवर कर लेती है, ठीक है, और हर चीज बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे सूखी हुई हो, एंड सक्स ऑल ट्रेसेस ऑफ लाइफ, और उससे जीवन के जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी ट्रेसेस है वो छीन लेती है। हाउएवर व्हाट सीम्स डेड एट वन इंस्टेंट एक्चुअली ब्लॉसम इनटू लाइफ, लेकिन बाद में अभी जो हमको डेड लग रहा है वो ब्लॉसम होके, यानी कि वापस उसमें फूल निकल आते हैं, उसमें पत्तियां निकल आती हैं, वही फूल जो है बाद में फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। विद व्हाट ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, जैसे ही स्प्रिंग आता है ये सब जो चीजें वो जीवंत तो होती है। व्हाट द पॉइंट इज इंप्लाइंग हियर इज द स्टिलनेस इज ऑलवेज सक्सीडेड बाय द पीरियड ऑफ, कि ये जो स्थिरता जो हमने रखी है, अब यहाँ पे जो राइटर जो क्या कर रहा है कि अपनी कही गई बात से इसको लिंक कर रहा है, कि ये जो स्थिरता है, एक बार तो हमको ऐसा, आपको ऐसा लगेगा यार हम तो सब शांत हो गए, हम तो सब शांत हो गए, हम तो सब स्थिर स्थिर हो गए,
हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो आप अपने आप को ये भी मान सको, मतलब आपको ये भी हो सकता है कि हम तो मर गए, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। उस स्थिरता के बाद का जो वक्त होगा वो एक तरह से नव यौवन आपके लिए, एक नव यौवन लेके आएगा, एक नई यूथफुलनेस लेके आएगा, यूथफुलनेस आपके लिए लेकर आएगा। यानी कि हैज वी मस्ट नॉट बी स्केर्ड ऑफ बीइंग इन द स्टिल एंड कीपिंग क्वाइट। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कुछ आप चुपचाप बैठ जाएंगे तो आप बिल्कुल ही वो हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे या आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये जो शांति जो है वो एक नव यौवन लेकर आएगी, एक स्प्रिंग हमारे लिए लेकर आएगी। जस्ट एज नेचर हैज शोन अस, जैसा कि प्रकृति ने हमको दिखाया है, आवर अपारेंट इनएक्टिविटी विल बी अवॉइडेड इवेंचुअल ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। एक बार हम देखिए, आपने एप्पल की ट्री को देखा होगा, सर्दियों में बिल्कुल ऐसे सूख के ऐसे हो जाता है कि आपको लगेगा यार इसको काटो और चला लो, लेकिन वास्तव में जब जो ट्री जितना ज्यादा पतझड़ जिसमें आता है उतने ही ज्यादा एप्पल उसके अंदर आते हैं। अब ये इसकी कंक्लूडिंग लाइन है, लास्ट लाइंस हैं। तो हमारा राइटर ये कहता है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, आप सबको चुप हो जाना है, एंड आई विल गो, और मैं इस कविता को समाप्त करता हूं और जाता हूं। तो इन द कंक्लूडिंग लाइंस द पोएट क्वाइटली लीव्स द सीन आफ्टर इनिशिएटिंग ए प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन विद इन अस। तो वो हमारे अंदर, राइटर ने ये कह रहा है कि मैंने अब आपके अंदर आत्म निरीक्षण के लिए जो डिजायर है वो मैं पैदा कर चुका हूं, और अब आप अंदर से क्या हो उसकी रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे चुकी है, ठीक है, और मैंने जो अपना संदेश है वो मैं आपको दे चुका हूं। तो हिज वर्क एज ए पोएट इज ओवर, और अब एक पोएट के रूप में मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका। भाई आज कवि जो होते हैं, लेखक होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, उनका जन जागरण का काम होता है, लोगों में क्रांति पैदा करने का काम होता है, एक पुनर्जागरण का काम करने का काम होता है, ठीक है। और वो ही कह रहे हैं कि एक राइटर के रूप, पोएट के रूप में मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं आपके अंदर की जो इंट्रोस्पेक्शन है उसको मैं जगा चुका हूं, अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, अब मेरी ये जो कविता है वो खत्म होती है। इट इज अपॉन अस, अब ये हमारे ऊपर है। अब भाई वो तो 12 तक काउंट करेगा, अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसके, इट इज अपॉन अस नाउ टू फॉलो हिज डिक्टम इन ऑर्डर टू लीड ए मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। कि हम अगर मीनिंगफुल, एक मीनिंगफुल अस्तित्व अगर आप हमारा चाह रहे हैं तो हम उसकी बात को डिक्ट तो फॉलो करें, विच वी कैन बेनिफिट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशियटल लेवल। इससे हमको व्यक्तिगत रूप से तो फायदा होगा ही होगा, एक सामाजिक रूप से भी हमको बेनिफिट। भाई अब आप माने नहीं माने आपकी मर्जी है, अब मैं तो 12 तक काउंट करूंगा, आपको चुप होना है और मैं जाता हूं। इसी के साथ ये जो हमारे वीडियो समाप्त हुआ, आपने देखा होगा कि कितने अच्छे तरीके से पेब्लो नेरुडा ने विश्व शांति का संदेश दिया है, और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को दिन में एक बार 5 मिनट या 2 मिनट के लिए बैठ के इस चीज का मंथन करना चाहिए कि आज का मेरा दिन कैसा गया, या आज मैंने किसी का भला किया, किसी के बारे में अच्छा सोचा, क्या मेरा आज की, मेरे दिन की सार्थकता क्या रही। तो आत्ममंथन या आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए ताकि हम खुद को रियलाइज कर सकें, इस समाज को रियलाइज कर सकें, अपने परिवार को रियलाइज कर सकें कि हम क्या है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच का कौन कौन से फिगर स्पीच यूज किए गए हैं और कहाँ कहाँ यूज किए गए हैं। जय हिंद। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिए।